मैं हूं रिजवान अली साबरी। आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। दोस्तों, आज हम आपका शो करवाएंगे जयपुर शहर के अंदर, और आज हम ऐसी हस्ती के यहाँ आए हुए हैं जो कि मुस्कुराता हुआ चेहरा और मिलनसार इंसान हैं, जो कि बाबू भाई जिनका नाम है। और मैं आपको आज उनका पूरा सेटअप भी दिखाऊंगा और उनके जो कबूतर हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। देख सकते हैं आप इनका लोफ्ट, बहुत ही शानदार सेटअप है बाबू भाई का, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको सेटअप के अंदर ले चलता हूँ, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सेटअप है दोस्तों। इसके अंदर भी एक और सेटअप है, सर्दी से बचाने के लिए इनको गत्ते लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सेटअप है। और ब्रीडिंग सेटअप भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा बाबू भाई के यहाँ, और इसमें से ये तपाई का लोफ है ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं दूसरा सेटअप, ये पीछे पक्का सेटअप बना रखा है, उसके आगे इन्होंने ये जाल लगा रखा है और ये जाल से ही कनेक्ट है, इसमें अंदर चले जाते हैं गर्मी सर्दी के अंदर कबूतर। जैसा कि हमारे दोस्त कहते हैं कि आप सेटअप भी दिखाया करें पूरा, तो दोस्तों मैं आपको ये सेटअप दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। एक सेटअप इधर है, इधर से दरवाज़ा दे रखा है, और दूसरा सेटअप आप देख सकते हैं इधर है, और मैं आपको एक बार अंदर से भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके का इन्होंने बना रखा है बाबू भाई ने। और तीसरा सेटअप भी मैं दिखाऊंगा जो कि जोड़े वाले कबूतर हैं उनका सेटअप, अभी हाथों हाथ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों ये तीसरा सेटअप है इनका जो कि जोड़े वाले कबूतर हैं, जिनका कि मैं आपको शोक करवाने वाला हूँ, जो कि परकटे कबूतर हैं, ये देख सकते हैं आप। इनका भी मैं आपको अभी बाहर निकाल के एक एक करके दो चार जोड़ों का मैं आपको शोक करवाऊँगा, ये देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब कबूतर है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन। तो दोस्तों आज मैं जयपुर के अंदर आया हुआ हूं बाबू भाई के यहां, और आपको जैसा कि मैंने अभी बताया शुरू में, आप सारा सेटअप दिखाया बाबू भाई का, तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे शौकीन हैं और बहुत अच्छे अच्छे जोड़े भी इनके पास हैं और ये शौक कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात हम बाबू भाई से कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, तो आप ज़रा सा बताएं आपकी एज क्या है? 65 साल है। 65 साल के करीब बाबू भाई की एज है। और बाबू भाई आप शो कितने साल से कर रहे हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से कर रहे हैं, तो अब ये कबूतरबाजी का 15-16 साल से माशाल्लाह शो कर रहे हैं। तो आपके यहाँ मैंने ये देखे कि लोफ्ट काफ़ी हैं, बड़े बड़े लोफ्ट हैं इधर भी इधर भी इधर भी, तो माशाल्लाह आप ब्रीडिंग करके बच्चे बच्चे निकलवाते हैं? निकलवाते हैं ना, बच्चे उड़ाते भी हैं ना, खुद का शौक करते हैं। अच्छा, बाजी भी आपने उड़ाई हैं? पहले उड़ाई थी बाजी, अब नहीं उड़ाई। अच्छा, उड़ाएंगे, अब उड़ाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो दोस्तों ये बाबू भाई हैं हमारे, माशाल्लाह जयपुर के अंदर ये शौक कर रहे हैं और काफ़ी कबूतर हैं। कबूतर भी कितने होंगे आपके पास बाबू भाई? 200 के करीब हैं। 200 के करीब ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, माशाल्लाह 3-3 लोफ्ट हैं अंदाजन, जैसा कि बाबू भाई बता रहे हैं 200 के आसपास कबूतर हैं। तो दोस्तों मैं आपको बाबू भाई के जो कबूतर, बाबू भाई हमें शौक कराएंगे, आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको शौक करवाएंगे कबूतर? कराएंगे सब जरूर। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ बाबू भाई के कबूतरों के अंदर और शौक करवा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बाबू भाई के लोफ्ट में ले आया हूं और बाबू भाई के जो कबूतर हैं उनका मैं आपको शोक करवाऊंगा। ये भी इनका पेयर है, नर टेढ़ा है, इसके अंदर टेढ़े में हो गया था। कब से हो गया था बाबू भाई? ये 2 साल से हो गया टेढ़े में। 2 साल से ही टेढ़े में है, लेकिन अंडे बच्चे निकाल रहा है ना। हाँ। तो बाबू भाई आप हमें इसका शोक करवा दीजिए। हाँ, ये कौन सा कबूतर? हल्के से लाल गंडे हैं इसके, हल्के से लाल गंडे हैं, भूरे कबूतरों में, भूरे कबूतरों में देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है, इसका शोक करवा देते हैं बाबू भाई। एक मादिन पकड़ा के नर का शोक करवा दीजिए आप। चलिए, तो दोस्तों आप ये नर का शोक कीजिए, बहुत ही उम्दा, ये देख सकते हैं इसकी आँख, ये देखिए,
या आँख का शो कर सकते हैं आप माशाल्लाह। और ये नर्व दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जिसको ऊदे कहा जाता है हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर ऊदी नस्ल होती है उसमें से निकला हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी पलकें भी ऊदी हैं और इसकी चोंच भी ऊदी है। ये भूरे कबूतरों में से नहीं है, ऊदे कबूतरों में से है। ये देख सकते हैं, छोड़ के दिखाते हैं बाबू भाई एक बार इसको। ये देख सकते हैं ये टेढ़ा नर है और इसकी मादा का भी मैं आपको शौक करवा देता हूँ जो बाबू भाई ने लगाई है। ये देखें दोस्तों, ये आपको आँख का शौक करा देता हूँ। ये बड़ा अच्छा जोड़ा लगाया बाबू भाई आपने, लगाया माशाल्लाह। ये जोड़ा घर के ही बच्चे हैं हमारे, घर के ही बच्चे निकलवाए हैं ना। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये इनकी पलकें माशाल्लाह एकदम, ये मेरे गंडेदारों में से निकले हुए हैं, लाल गंडेदार मेरे बाबू। ये देख सकते हैं आप इनमें शेड्स आ रहे हैं बहुत अच्छे। इसके एक बार पंजे और दिखा दें, पर तो कटे हुए हैं इसके। ये पंजे देख सकते हैं आप, खुश्क पंजे हैं दोस्तों। ये देखिए और ये पर भी देख सकते हैं आप, हालांकि पर कैच है लेकिन आप ये कुंदे देख सकते हैं। और ये वाइब्रेट भी देखें दोस्तों, ये अच्छे कबूतर की एक पहचान है, क्या ज़बरदस्त वाइब्रेशन है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कबूतरी लगाई है। छोड़ दें बाबू भाई, ये देख सकते हैं अब आप जोड़ा, बड़ा ज़बरदस्त जोड़ा है, हालांकि दोनों टेढ़े में हैं। तो ये टेढ़े शुरू से ही हैं क्या? दो साल हो गए ना टेढ़े, दो साल हो गए, लेकिन माशाल्लाह अंडे बच्चे हो रहे हैं अब इनके। देख सकते हैं दोस्तों बड़ा लाजवाब जोड़ा है बाबू भाई ने लगाया हुआ है, और हालांकि टेढ़े में है लेकिन अच्छा जोड़ा है बहुत, देख सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे जोड़े का और शो करवा देता हूँ बाबू भाई के यहाँ। ये देख सकते हैं दोस्तों एक और जोड़ा ले आए हैं बाबू भाई, और माशाल्लाह ये बाजरा कबूतर है, बड़े कल्ले मगज़ का कबूतर है, बहुत ही शानदार। मैं आपको इसका भी शो करवाऊँगा, और इससे ये थोड़ी डार्क कबूतरी लगाई है बाबू भाई। डार्क कबूतरी क्यों लगाई आपने इससे? बच्चे ऐसे ही आ जाएंगे इनके, बच्चे ऐसे ही आ जाएंगे इनके, इस वजह से आपने ऐसा जोड़ा लगाया ना। देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जोड़ा लगाया बाबू भाई ने। इसकी मादा पकड़ के नर का शौक करवा दें, देखें दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है ये नर। ये देख सकते हैं आप, आँख का शौक करिए, पुराना कबूतर है बाबू भाई, कब से है आपके पास ये? आठ साल हो गए, आठ साल हो गए आपके पास। देखें दोस्तों आप देख सकते हैं पुराना कबूतर, और ये आँख देखें इसकी, ज़बरदस्त आँखें, और इसके जो आँख के जिसको जर्रे कहा जाता है वो भी देख सकते हैं, डॉट्स ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त डॉट्स हैं इसकी आँख में। पुराना कबूतर है, बाजरा कबूतर है, जो कि राजस्थान की फेमस ब्रीड कहलाती है। बाबू भाई उड़ा के देखा क्या आपने इसको? इसके बच्चे उड़े थे, बच्चे उड़ाए आपने इसके और उड़े खूब आपके पास। ये देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह, छोड़ दीजिए बाबू भाई इसके ऊपर। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त बाजरा कबूतर, और मैं इसकी मादा का आपको शो करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप मादा, इसकी भी क्वालिटी देख लें, और इसकी आँख के अंदर दोस्तों आप शेड देख रहे होंगे, जिसको के उस्ताद ये जो बड़े उस्ताद लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो इसकी रिंग आप देख रहे हैं पुतली, इसके बाहर एक रिंग और बनी हुई है जो उससे हल्के कलर की, ग्रे कलर की आपको दिख रही होगी। ये एक अच्छे कबूतर की पहचान है, और जिसको कहते हैं कि वापस रिटर्न की निशानी है, घर वापसी की। बहुत अच्छी कबूतरी माशाल्लाह बाबू भाई ने बड़ा अच्छा तालमेल बिठा रखा है इन जोड़ों में। छोड़ दीजिए बाबू भाई इस कबूतरी को भी, ये देख सकते हैं ये जोड़ा लगा रखा है। इसी के साथ मैं आपको एक जोड़ा और दिखा देता हूँ उसके बाद। तो दोस्तों ये बाबू भाई ले आए हैं एक और जोड़ा, जैसा कि हमें बहुत अच्छा शो करवा रहे हैं बाबू भाई। ये देख सकते हैं आप, किंग साइज़ के कद्दावर साइज़ के कबूतर, राजस्थान की पहचान, और आप देख रहे हैं जयपुर के अंदर, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर सिटी, उसके अंदर आपको मैं शो करवा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी बहुत शो करवाए हैं इसके अंदर जयपुर और टोंक के कबूतरों के, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं जालदार चटाईदार कलसिरा जोड़ा बाबू भाई का। बाबू भाई एक मादा इधर देखे आप, नर का पहले शो करवाएं फिर मादा का शो करवा दीजिए। ये देख सकते हैं आप, आँख का शो कीजिए इसका, बड़ी ज़बरदस्त आँख है। ये देखें बहुत ही अच्छा कबूतर है ये, ये देख सकते हैं आप इसके आँख के जर्रा
बहुत ही शानदार डॉट्स लिए हुए हैं आँख के अंदर, आप देख सकते हैं। पर दिखा दें एक बार इसके, ये देखें पर कैंच है और तीनों कुंदे आप देख सकते हैं, दो पर हैं इसके, ये देख सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल पर हैं इनके, बहुत अच्छी उड़ान के कबूतर हैं। और ये वाइब्रेशन आप देख ही रहे हैं, ये देखिए ये वाइब्रेट जो करते हैं कबूतर, बहुत अच्छी नस्ल के कबूतर कहलाते हैं। बाबू भाई मज़ा आ गया माशाल्लाह, दोस्तों आपको मज़ा आ गया होगा इन कबूतरों को देख के, बहुत ही अच्छे जोड़े लगा रखे हैं बाबू भाई ने। ये देखें इनके पंजों का भी आप शौक कर सकते हैं, ये देखिए पंजे ज़बरदस्त खुश्क पंजे हैं, बहुत ही अच्छे। छोड़ दें बाबू भाई इसको एक बार इधर, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, कल सिरों के जो शौकीन हैं वो शौक कर सकते हैं, बिल्कुल चटाईदार बढ़िया खूबसूरत कल सिरे हैं, राजस्थान की शान, ये देख सकते हैं किंग साइज़ के। और ये इनके वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं कबूतर, बहुत अच्छे कबूतर माशाल्लाह बाबू भाई ने रखे हुए हैं। बाबू भाई इसकी मादा का आप हमें वो शौक करवा दें। चलिए तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप बाबू भाई की के यहाँ शौक करा रहा हूँ मैं आपको, ये कबूतरी की आँख देखें और इसकी आँख की खूबसूरती भी देख सकते हैं आप, और ये रिंग देखें, ये देखिए अगर आप देख रहे हो बहुत अच्छी आँख है। और आप देख सकते हैं इसकी जो पलकें हैं, बिल्कुल आपने आरी देखी होगी, आरी की जो कटिंग होती है आगे से, बिल्कुल आरी कटिंग इसकी कही जाएगी। ये देख सकते हैं इसकी पलकें जो हैं बिल्कुल बारीक 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 दांते से बने हुए हैं इसके अंदर। और ये आँख का शौक कर लें आप, बहुत ही ज़बरदस्त आँख की कबूतरी, और आँख के डॉट्स कितने ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों आप शौक कीजिए जोड़े का, बाबू भाई छोड़ दीजिए इसको, छोड़ना इस कबूतरी को ऊपर, कबूतर को सॉरी। ये देखें दोस्तों आप जोड़े का शौक कीजिए, ये नर है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा माशाल्लाह लगाया हुआ है बाबू भाई ने, बहुत अच्छा। दोस्तों आप देख सकते हैं लाजवाब कबूतर हैं बाबू भाई के यहाँ। तो दोस्तों ये बाबू भाई ले आए हैं एक और, बाबू भाई बताएं इसके बारे में। ये कबूतर कलमुआ कबूतरी बाजरी है छपी हुई। अच्छा बाजरी छपी हुई, हाँ। आपने कलमुए कबूतर से लगाई है। ये देखें दोस्तों क्या वजूद है इस कबूतरी का और इस कबूतर का, दोनों एक एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी कबूतरी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त जोड़ा है, ये देख सकते हैं। बाबू भाई आप इसका नर का शौक करवा दीजिए हमें पहले, यही कबूतर। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कलमुहा कबूतर मैं आपको शौक करवा रहा हूँ बाबू भाई के यहाँ, ये देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त आँख इस कबूतर की। और ये आँख के डॉट्स देखें दोस्तों, कितने शानदार डॉट्स लिए हुए आँख है ये देखें। और बड़े मगज़ का कल्ले मगज़ का कबूतर है इसके, दिखा दें पर भी एक बार बाबू भाई, ये देख सकते हैं आप पर जो तलवार की कटिंग होती है उसकी तरह इनके पर हैं, ये देखिए आज धूप नहीं आ रही बाबू भाई, हाँ आँखें बहुत अच्छी दोस्तों, आज धूप भी नहीं है मौसम, ये देख सकते हैं आप बादल हो रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि क्लियरिटी में कमी आए, फिर भी आप करें शौक, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह कबूतर, बहुत अच्छा कबूतर माशाल्लाह ये लगाया हुआ है बाबू भाई ने। छोड़ दिए बाबू भाई इसको, ये देख सकते हैं कबूतर कलमुहा कबूतर है ये, ये देख सकते हैं बहुत लाजवाब कबूतर है दोस्तों, ये देखें इससे ये मादा लगाई है ना आपने बाबू भाई, बाजरी कबूतरी लगाई है इसे। बाबू भाई ये बताएं आपकी ये आपने बाजरी कबूतरी क्यों लगाई है इससे? ये कबूतर हमारा बाजरों में से निकला हुआ कलमुहा कबूतर है, ये अच्छा। कबूतरी हमने बाजरी ही लगाई है इसे। अच्छा तो इसकी उड़ान वगैरह की वजह से या उड़ान की वजह से, ये हमारे भाई साहब के पास इसके बच्चे खूब उड़े हैं। अच्छा ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आँख के इसके डॉट्स देख सकते हैं, ये
सारी नस्ल जो चली आ रही है जयपुर के अंदर माशाल्लाह, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर टोंक पड़ता है, तो टोंक की नस्लें जयपुर में हैं और पूरे राजस्थान के अंदर माशाल्लाह ज़्यादातर टोंक की नस्लें चल रही हैं। पुराने जो शौकीन हैं वो इस तरीके के कबूतर रखते हैं और ये देसी हाई फ्लायर्स हैं, देख सकते हैं आप पुरानी नस्लों के, पुरानी चाल के। ये देख रहे हैं बहुत अच्छी आँख, छोड़ दें इसको एक बार उस कबूतरी के साथ। ये देखें दोस्तों, ज़बरदस्त जोड़ा लगाया हुआ है बाबू भाई ने। और इसी के साथ में बाबू भाई के जो कबूतर हैं, और एक जोड़ा जो है बाबू भाई मैं दिखाना चाहूँगा इन कबूतरों में से जो मुझे अच्छा लग रहा है। आपने तो शो करवा दिया माशाल्लाह, लेकिन एक जोड़ा और मेरे कहने से शो करवाइए हमारे जो व्यूवर्स हैं, मुझे बहुत पसंद आया जो कि सुर्ख जोड़ा है मैं देख रहा हूँ नीचे, तो एक बार एक जोड़े का और आप शो करवा दीजिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हाथ में भी नहीं आ रहे माशाल्लाह, बहुत किंग साइज़ का जोड़ा है जो कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर बाबू भाई ने दिखाया है। और बहुत अच्छे अच्छे जोड़े हैं, मैं आपको पूरा शौक नहीं करा पाऊँगा, इंशाल्लाह जो दूसरा पार्ट बनाऊँगा कभी वक्त मिलेगा इंशाल्लाह फुर्सत से, तो मैं आपको, और कबूतर बहुत हैं दोस्तों, आप शौक करते रहिए और मैं आपको शौक कराता रहूँगा ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत कबूतरों का। ये देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त कबूतरी है और क्या ज़बरदस्त कबूतर है। बाबू भाई ये आपके शौक का है, आपने जोड़ा कैसे लगाया, कब का, क्या बताएं ज़रा? कबूतर कहीं से लेके आए? तो ये बच्चा घर का है हमारा, ये बच्चा घर का है, ये नर। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें दोस्तों नर की खूबी आप देख सकते हैं, किंग साइज़ का कबूतर है ये देखें आप। और ये मादा इन्होंने लगाई है थोड़ी सी खुलते हुए कलर के अंदर, और मैं आपको इसका शौक करवा दीजिए बाबू भाई एक नर का। ये देख सकते हैं आप, शो कीजिए दोस्तों, ये बाबू भाई ने मेरे कहने से एक जोड़े का शो करवाया है। ये देखें आप, ये सुर्ख कबूतर है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका कलर सरका और पलकों का मैच खाता हुआ कलर है, हल्का हल्का सा सुर्खी लिए हुए पलके हैं और हल्की हल्की सी लाली लिए हुए इनकी जो आँख है वो है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कबूतर है ये देखें आप। और ये आँख के इसके डॉट्स देख सकते हैं आप अंदर, ज़बरदस्त कबूतर है। कितना पुराना है बाबू भाई? 8 साल का कबूतर है। 8 साल हो गए इसको भी, बहुत बढ़िया। एक बार इसके पंजे और दिखा दीजिए, पर तो कटे हुए हैं, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं एक भी पर इनके अंदर सफ़ेद पर नहीं है, पूरा एक क्वालिटी का एकदम ज़बरदस्त कबूतर है, कोई एक परी तक इनके अंदर सफ़ेद आपको नहीं मिलेगी। ये धुम देख बाबू भाई, धुम दिखा दीजिए एक बार इसकी, ये देखें दोस्तों ये दुम देख सकते हैं आप, एक भी इनके अंदर पर जो है वो मतलब सफ़ेद या किसी तरीके का नहीं है, पर भी आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त पर है इनके, ये देखें बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। और ये वाइब्रेशन भी देखें, सारी सब कबूतरों के अंदर वाइब्रेशन आ रहा है बाबू भाई के, बहुत अच्छे कबूतर हैं ये देखें, ये देखें आप वाइब्रेशन, छोड़ दीजिए। ये देख सकते हैं आप कबूतरी जो लगाई है बाबू भाई ने, ज़बरदस्त कबूतरी, ये आँख के इसके जर्राब, ये डॉट्स देख सकते हैं आप आँख के, बहुत ही बेमिसाल कबूतरी लगाई है, जैसा कि कबूतर है वैसी ही कबूतर, कबूतरी भी छाट के लाएँ, कबूतरी घर की लाएँ? ये ली थी कहीं से, ली थी आपने? ये देख सकते हैं आप बहुत लाजवाब, ये देखें आप क्या कलर लिए हुए कबूतरी है, सुर्ख कबूतर कहा जाता है, ये देखें सुर्ख भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ये नर है डार्क है, ये देख सकते हैं आप डार्क कलर के अंदर है, इसको जले हुए सुरखे भी कह देते हैं यहाँ पर। और आप इसको देखें, ये हल्के कलर के अंदर कबूतरी है, जिसको कहते हैं पीला पड़ता हुआ कलर होता है थोड़ा सा, ये कबूतरी है। तालमेल की वजह से बाबू भाई ने जोड़ा इस तरीके से लगाया है। बाबू भाई छोड़ दीजिए इसको भी जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये देखें आप बैठक देख सकते हैं इसकी, ये देखें, और ये नर है, अच्छा जोड़ा है ये देखें। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको जो अभी कबूतर दिखाए हैं परकटे बाबू भाई के, उनका मैं आपको शो करवा देता हूं, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप परकटे कबूतर, जो बाबू भाई के जोड़ों वाले कबूतर हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे कलेक्शन के कबूतर हैं दोस्तों, मैं दिखाता दिखाता शो कराता कराता आपका थक जाऊंगा और आप शौक करते करते थक जाएंगे, लेकिन कबूतर ख़त्म होने वाले नहीं हैं बाबू भाई के पास माशाल्लाह के, जैसा कि बताया 200-250 कबूतर हैं इनके पास, ज़्यादा ही होंगे, कौन गिने हुए नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे किस्म के कबूतर हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये बाजरे भी हैं सफ़ेद,
और इनका भी आप शौक कर लें माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आप इनकी स्टैंडिंग देखें, कितनी ज़बरदस्त स्टैंडिंग के कबूतर हैं ये देखें, और बाकी के कबूतर भी ऊपर ही छोड़ दीजिए साहब। चलिए तो दोस्तों, ये सारे मैं कबूतर आपको छोड़ के दिखा रहा हूँ, बाबू भाई के जोड़ों वाले कबूतर। शौक कीजिए आप, हर किस्म के कबूतर हैं। बाबू भाई, आपको हर किस्म से शौक है क्या? सबसे ही शौक है, जो आ जाता है उसे रख लेते हैं। जो अच्छा अच्छा जो अच्छा लगता है आपको। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह आप शौक कीजिए। ये सारे जोड़े हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे लोफ्टों में बहुत सारे अलग अलग तरीके के और जोड़े हैं, लेकिन मैं आपको आज इन्हीं का शौक करवा रहा हूँ। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बनाऊँगा, तब आपको बाबू भाई के यहाँ और कबूतरों का शौक करवाऊँगा। ये कलमुए का जोड़ा ये देखें आप माशाल्लाह, और ये बाजरे वगैरह सब मिक्स हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह, और ये देखें आप इनकी सबकी स्टैंडिंग देखें दोस्तों। जबकि जोड़े वाले कबूतर हैं, उसके बावजूद आप इनकी स्टैंडिंग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कबूतर बाबू भाई के यहाँ। ये देखें आप, शौक कीजिए। ये कलमुआ भी देख लें, बहुत अच्छा कबूतर है। ये देखें आप क्या ज़बरदस्त, जैसा कि मैंने आपको शौक कराया अभी इस कबूतरों का, इस कबूतर का शौक कराया था, जोड़ का भी ये देख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आप ये देखें इस कबूतर को भी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल किया है जयपुर टॉक पिजन, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कंजूसी ना करें, इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ही शौक खूबसूरत खूबसूरत बेहतरीन बेहतरीन शौक करवाता रहूँगा, ताकि आपको, आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसी वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकें, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे।